गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल कॉटले कॉम्पिटिशन। कॉटले कॉम्पिटिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वोकैबुलरी का एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, और ये वीडियो चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, SSC, बैंकिंग, CDS, CPF, NDA या कोई भी टीचर एग्जाम्स जैसे कि CTAT, UPTAT या कोई भी टैट एग्जाम, इसके साथ साथ कुछ लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है नवोदय, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका वोकैबुलरी का है, आपका सेक्शन होमोफोन्स। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जैसे जो भी नया वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँ या जब भी मैं लाइव क्लासेस आपको लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सारे इम्पोर्टेंट वर्ड को कवर करने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, जो भी वर्ड्स मैंने चूज किए हैं वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम होमोफोन्स। तो होमोफोन्स होते क्या है? तो होमो का मतलब होता है सेम, और फोन का मतलब होता है साउंड, अर्थात ऐसे वर्ड जो हमें सुनने में तो एक जैसे लगते हैं बट मीनिंग और स्पेलिंग में क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो क्या कहेंगे हम इनको? सेम साउंडिंग वर्ड्स। जैसे कि स्टूडेंट्स, नंबर वन पे देखिए, पहला है आपका FORMER, फॉर्मर, और इसके नीचे लिखा हुआ है FARMER, फॉर्मर। ठीक है, तो फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है फॉरगोइंग, और आप कह सकते हो एक्स या भूतपूर्व। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसके लिए? भूतपूर्व। जैसे मिस्टर मनमोहन सिंह इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज इट क्लियर? दूसरे नंबर पे देखिए फार्मर, फार्मर का मतलब होता है स्टूडेंट्स पीजेंट, और आप इसको हिंदी में बोल सकते हो किसान। क्या बोलेंगे आप इसको? किसान। लेकिन स्पेलिंग में यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ए है, फार्मर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए नंबर टू पे फीट और फीट। पहले वाले की स्पेलिंग देखिए ध्यान से, FEET फीट, और इसके नीचे FEAT फीट। तो स्टूडेंट्स जो पहली वाली है FEET फीट, फीट का मतलब होता है हील, और आप कह सकते हो पैर। ठीक है, और फीट तो आप जानते हो, और फीट कैसा वर्ड है? प्लूरल, मतलब दोनों पैरों को जब हम मेंशन करेंगे तो क्या बोलेंगे? फीट। और इसका सिंगुलर नंबर क्या होता है? फुट। क्लियर। इसके बाद देखिए FEAT फीट, इस फीट का मतलब होता है डीड, और यू कैन से एक्ट, अर्थात वीरतापूर्ण कार्य। क्लियर। नंबर थ्री का देखिए फेलिसिटी, FELICITY, फेलिसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स हैप्पीनेस, और यू कैन से जॉय, और आप कह सकते हो खुशी। क्या बोलोगे आप इसके लिए? हैप्पीनेस, जॉय, और यू कैन से खुशी। लेकिन इसके नीचे एक वर्ड लिखा है फैसिलिटी, थोड़ा सा कभी कभी बोलने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग देखिए FACILITY, फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स एमिनिटीज, और इसी के लिए इंग्लिश में एक और वर्ड यूज कर सकते हैं ईज, अर्थात सुख सुविधा के साधन। क्लियर। इसके बाद नंबर फोर पर देखिए FOWL, फाउल, और इसके नीचे है FOUL, फाउल। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो फाउल है उसका मतलब होता है पोल्ट्री, अर्थात मुर्गी पालन, और नीचे जो वर्ड है आपका FOUL, फाउल, इसका मतलब होता है नेस्टी, और यू कैन से फिल्दी, अर्थात दुर्गंध। ठीक है, दुर्गंध, बदबू जिसको आप बोलते हो। ठीक है, चलिए नंबर फाइव पे देखेंगे हम फेयर और फेयर। पहले वाले फेयर की स्पेलिंग क्या है? FAIR, फेयर, और फेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स के दो तीन मीनिंग है। एक तो होता है एग्जीबिशन, हिंदी में इसको आप बोलते हो मेला। ठीक है, दूसरा आप इसके लिए फेयर कलर के सेंस में यूज करते हो, शी इज फेयर कलर, फाइन, शी इज फेयर, ही इज फेयर, फाइन। और दूसरा इसका मतलब होता है, फेयर का एक मीनिंग हम ऑनेस्टी के सेंस में भी लेते हैं, फाइन। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स फीलिंग्स आर फेयर एंड फाइन, सो FAIR, फेयर। इस फेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेंट, और हिंदी में आप बोलते हैं इसको किराया भाड़ा, कहते हो ना कि बड़ाली से लेके बरेली तक का किराया कितना है, तो व्हाट इज द फेयर ऑफ दिल्ली टू बरेली। सो नंबर सिक्स पर देखिए, नंबर सिक्स पे आपका वर्ड है फर्दर और फादर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नंबर वन पे देखोगे आप फर्दर, FUR,
T-H-E-R फर्दर, ठीक है। और इसके नीचे वर्ड है F-A-R-T-H-E-R फर्दर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे फर्दर। फर्दर का मतलब होता है, ये जो वर्ड है फर्दर का मतलब होता है मोर, और आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, और अधिक। क्या बोलेंगे हम हिंदी में इसको, और अधिक। जैसे कि मान लीजिए आप कहते हो कि मैम NBS की वैकेंसी आई हुई है, तो इसका सिलेबस क्या क्या है, तो मैंने बता दिया कि भाई इसमें GS सेक्शन आएगा, और इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन आएंगे। फिर आप कहते हैं कि मैम इसके टॉपिक्स भाई कौन कौन से हैं, तो मैं क्या कहूँगी, फॉर फर्दर डिटेल ऑफ NBS सिलेबस प्लीज कॉन्टैक्ट कल्पना मैम। सो इसका मतलब है, फॉर फर्दर का मतलब है मोर डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो वर्ड है आपका है फर्दर, एफ ए आर टी एच ई आर। सो स्टूडेंट्स फर्दर का मतलब होता है क्या, फार के सेंस में है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्टेंस, दूरी के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ शी लिव्स एट द फादर एंड ऑफ विकासपुरी, ठीक है, एट द फादर ऑफ फादर एंड ऑफ विकासपुरी का मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे विकासपुरी यहाँ से स्टार्ट होता है और उसका घर कहाँ पर है, यहाँ पर। सो फादर एंड, तो आज के क्लास के होमोफोन्स आपके यही थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जल्दी ही मिलूंगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।